नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। बजट पेश होने के बाद बाजार में उछाल, सेंसेक्स 1076 अंक, निफ्टी 264 अंक बढ़ा। बजट 2023-24 इलेक्ट्रिक वाहन होंगे अब सस्ते, तो वहीं सिगरेट होगी महंगी। बजट 2023-24 बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की जाएगी स्थापित। राष्ट्रपति भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रेसिडेंट को दिखाई जाती है बजट की पहली कॉपी। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल अब होंगे सस्ते। बजट 2023-24 के अनुसार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर किए जाएंगे स्थापित। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर, 4 लोगों की मौत तो वहीं 15 घायल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इंडिया यूके अचीवर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पश्चिम बंगाल में फुटबेयर गोदाम में लगी आग, 12 फायर टेंडर बुझाने में लगे। और बजट 2023-24 के दौरान बोली निर्मला सीतारमन, कहा आज भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी।